अगर हमें बीते हुए समय की कोई इच्छा या फिर कोई मजबूरी बतानी है तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे? जैसे मुझे आम खाना था, उसे घर जाना था, राज को देव से मिलना था, अशोक को इंग्लिश सीखनी थी, या फिर मुझे दवाई खानी पड़ती थी, उसे घर जाना पड़ता था, या राज को देव से मिलना पड़ा, या फिर अशोक को इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो इस तरह के जितने भी इच्छा या मजबूरी बताने वाले वाक्य जो पास्ट में इच्छा या मजबूरी बताते हैं, तो आज हम उन वाक्यों को बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ हैड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे घर जाना था या मुझे घर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू होम। ऐसे ही आपको पत्र लिखना था या आपको पत्र लिखना पड़ा, तो आपकी इंग्लिश हो गई यू, उसके साथ हैड टू और फिर राइट अ लेटर, यू हैड टू राइट अ लेटर। अब देखो, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देव को घर नहीं जाना पड़ा या देव को घर नहीं जाना था, देव डिड नॉट हैव टू गो टू होम। ऐसे ही देव को क्रिकेट नहीं खेलना था या देव को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, देव डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। जैसे क्या देव को क्रिकेट खेलना था या क्या देव को क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो इस वाक्य को हम कह सकते हैं डिड देव हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या उसे दवा लेनी थी या क्या उसे दवा लेनी पड़ी, डिड ही हैव टू टेक मेडिसिन। चलिए अब आप कोशिश कीजिए इन वाक्यों को बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।